आज की कहानी संदीप जी की है, भेजी है मुझे मुंबई से, लेकिन इनका परिवार दिल्ली में। खैर, पहले परिवार से मिलवा देता हूँ। संदीप जी का परिवार एक ऐसी मिडिल क्लास, नहीं ठीक करता हूँ, एक ऐसी साधारण सी फैमिली है, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, जिनके पास अपना घर नहीं है। इनके पास जो सपने हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत हाई क्वालिटी के सपने भी नहीं देख सकते ये लोग। हाई क्वालिटी मतलब इनके जीवन में कभी अपना मकान आएगा ऐसा भी ये सपने में नहीं सोच सकते। दूसरा, इनको बस ये मान के चलना है कि जीवन में हमें किराए के मकान बदलने हैं, बाकी खाने को ईश्वर रोटी दे दे बहुत है। कोई इनकी ख्वाहिश नहीं है बड़ी या छोटी भी कह देता हूँ। जो हम और आप कभी बाहर जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा लेते हैं, इनमें से किसी ने भी पूरे परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी ने भी मोल के खाना कभी नहीं खाया बाहर। अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ने न्योता दे देता है तो ये शादी में खाना खायाते हैं। होटल में बैठकर पैसे देकर खाना भाई बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं करते, ऐसा सिर्फ बड़े लोग करते हैं। ये बात ना उन लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर आप अपने घर में हैं, अपना मकान है, अपनी छत है, और आपको ये बात लग रही है कि छोटी सी है नितिन, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो हाँ बहुत बड़ी बात होती है अपना मकान होना। आज की डेट में भी पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अपनी छत को भी तरस रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है। हाँ फुटपाथ पे नहीं है लेकिन किराए के मकान में है। मालिक मकान कब दो बातें कहकर निकाल दे, क्या भरोसा। लेकिन ये परिवार अच्छा है, ये परिवार अच्छा है। ये यहाँ पर दिल्ली में जिस जगह ये किराए पर रहते हैं तकरीबन 11 साल से है, ठीक है 11 साल, और 11 साल बहुत लंबा वक्त हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है मकान मालिक का और किराएदार का कि हाँ भरोसेमंद है। 2-3 दिन इधर उधर हो जाते हैं लेकिन टाइम पे पैसे आ जाते हैं। जो संदीप है ये इस घर का एक ऐसा लड़का है जिसने गलती करी घर में सभी के सामने अपने सपने के बारे में बताकर। सभी लोग खाना खा रहे थे, इनके घर में माता पिता हैं, बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। ये सबसे छोटा है, जो बड़ा भाई है ये कॉलेज सिर्फ 6 महीने ही जा पाया था, उसके बाद हाँ वो पैसों का चक्कर तो छोड़ना पड़ गया। इसके एडमिशन और इसे पढ़ाने में पिता ने 3 जॉब करी थी, ठीक है एक साथ, मतलब ये ऑमलेट की ठेली भी लगा रहे थे, ये ऑटो भी चला रहे थे, और क्योंकि ऑटो में ऐसी बड़ी समस्या आ गई थी जिसको ठीक कराने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने एक वो जो हाथ रिक्शा होता है वो चलाया। परिवार आप समझ गए कि कैसा है। ऑमलेट की ठेली क्यों बंद करनी पड़ेगी, वहां कुछ ऐसे मनचले आकर खाकर जाने लग गए जो कि पैसे नहीं देते थे, नहीं दिए क्या कर लेगा, गरीब आदमी एक चांटे में शांत हो जाता है। यही जो इनकी एक क्या कहते हैं मतलब दबंगगिरी है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी 5 स्टार में, किसी 7 स्टार में दिखाएं, वहां पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। गरीब की ठेली पर आपने उसको उसकी औकात दिखा दी कि हम यहाँ से खाकर भी चले जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे। वैसे मेरे भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, इस प्रजाति के अगर आप हो, चलते हुए मूंगफली उठा ली या ये सब करना, तो मेरे भाई वो जो लाल बत्ती पे भिखारी खड़े होते हैं ना, उससे 2 कदम नीचे ही हो। बड़ी अजीब लग रही है बात, शर्म आ रही है, कोई बात नहीं। और ये कार्य तब करो जब तुम अपनी फैमिली के साथ हो, अपने मम्मी पापा, दीदी, भाई बहन, आपकी वाइफ, उनके साथ ये काम करो। आप कहीं गए खाया और उसके धक्का दे दिया और कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे रहे, देखना फैमिली कितना प्राउड करेगी। खैर इनके साथ जब ये तकरीबन 8-10 बार हुआ, इन्होंने हाथ भी जोड़े जो इनके पिता हैं कि भैया आप पुराने पैसे नहीं दे रहे, ना दो, लेकिन जो अभी खाया इसके तो दे दो। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑमलेट खा लिया, ये 8-10 लड़के आते थे और भरपेट खाते थे जिसको जो खाना है, तो इन्हें बंद करना पड़ गया। जो धर्मपत्नी है इन्होंने कोशिश करी थी उनसे कहकर, पतिदेव से, कि आप कहीं और ठेली लगा लो, तो उन्होंने कहा कि वहाँ बाजार में कोई मुझे खड़ा नहीं होने देता
और सबकी जगह एक तरह से अपनी परमानेंट है, कोई 4 साल से खड़ा है, कोई 5 साल से, तो मुझे नए को वहाँ जगह नहीं मिल रही थी। बस एक जगह मिली थी जहाँ पर ये सब समस्या हो रही है। अब पिता घर पर है, जो बड़ा बेटा है, ठीक है, जो कॉलेज छोड़ चुका है, ये कंडक्टर लगा है एक बस में, तो घर में 2 पैसे आ रहे हैं। और इसकी जो तनख्वाह है, बस इसमें ये मानिए कि जो बहना है इसकी पढ़ाई किसी तरह पूरी हो जाए, जो कि ये भी कहीं मतलब नौकरी शायद मिल जाए, नहीं तो चौका बर्तन तो कर ही लेंगे। जो माँ है ये घर घर जाकर बर्तन वगैरह, झाड़ू कटका वगैरह करती हैं। परिवार समझ गए कितना रईस है ये जो बेटा है। अब इसके बारे में बात करता हूं, संदीप नाम है इसका। ये आज जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो क्या बोलता है कि भैया मैं दूसरे शहर में जाकर कोई नौकरी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 2-1 जगह फॉर्म भरे थे। इस लड़के की गणित बहुत तेज़ है, मतलब मैथ्स में आप और हम जितनी देर में कैलकुलेटर निकाल कर कोशिश करेंगे उतनी देर में ये सॉल्यूशन दे देता है। और मैथ्स के साथ ये भी कहूँगा कि हाँ, इसकी अकाउंट्स और अपने को कभी कभी डेबिट क्रेडिट में कन्फ्यूज़न हो जाता ना, इसे नहीं है। वो सब छोड़ दो कि ये कैसे परिवार से है, बैकग्राउंड कैसा है, गरीब है तो इतना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है, इसके पास डिग्री नहीं है। माता पिता इसे कॉलेज तक नहीं ला पाए हैं, 12वीं पास है और बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे, मतलब 12वीं में मेरे जितने थे उससे तो बहुत ही अच्छे हैं। इस बच्चे ने अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उन्हें बड़ी नौकरी मिलती है, हमें बड़ी नौकरी के सपने भी नहीं देखने चाहिए। पिता से क्या बोलता है कि पिताजी, अगर जैसे भैया अभी नौकरी कर रहे हैं, दीदी भी पढ़ लिख कर अब इनकी भी जॉब लग जाएगी, और हाँ 1-2 साल में मैं भी शुरू कर लूँगा तो एक अपना मकान ज़रूर खरीदेंगे 2 कमरे का। यहाँ माँ ने तो बस आखिरी निवाला खाया था, उसके बाद उनकी आंखें ऐसी भर गईं कि उनका पेट भर गया। माँ ने कहा कि संदीप, ये जो तू कह रहा है ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ऐसा होता नहीं है, हम गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मर जाएंगे, हमारे पास अपने मकान की गुंजाइश है ही नहीं बेटा, कुछ पैसे जुड़ेंगे तो बिटिया की शादी है, तेरे भाई की शादी है, और काश ऊपर वाला बुरे लोगों को हम जैसों से ना मिलवाए, हम गरीब हैं तो गरीब से गरीब मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, बुरे लोग नहीं मिलने चाहिए, अगर वो बुरे लोग नहीं मिले होते तो आज तेरे पिता भी 2 पैसे कमा रहे थे, ये घर बैठे हैं और सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में भी इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, इनसे किसी ने ना कुछ पैसे भी लिए थे नौकरी लगवाने के लिए, उसने अब इनसे मुलाकात करनी ही बंद कर दी, तो घर ना बिखर सा गया है ये। आज इनके पास किसी बात की कोई भी उम्मीद नहीं है कि समय अच्छा होगा। अब ऐसे परिवार में खाटू श्याम बाबा के आ जाने से भी क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना मकान आ जाएगा, अपनी गाड़ी आ जाएगी, दीदी की अच्छी शादी हो जाएगी, बड़े भाई को भी अच्छी जॉब मिलेगी, माता पिता भी अच्छी जगह, कुछ ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अरे बाबा श्याम है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो आपने सोच लिया वो एकदम से ही होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे होता है ना, लेकिन ऐसों के साथ थोड़ा ना होता जो गरीब होते हैं, सिर्फ अमीरों के भगवान हैं ये तो। मेरे पास बहुत मैसेजेस हैं ऐसे, सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, जो पहले से सक्षम है सिर्फ बाबा श्याम उन्हीं की मदद करते हैं, ये आपको सक्षम दिख रहे हैं। ये 2016 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, 2016 तक इनकी स्थिति ऐसी थी। इनके घर इनके छोटे भाई आते हैं, मतलब ये जो भाई साहब हैं संदीप के चाचा जी, जो कि मुंबई में रहते हैं। अरे बहुत दिनों बाद, हाँ भैया बस मैं दिल्ली आया था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, और परिवार में सब लोग ठीक हो आप? हाँ सब ठीक। ये छोटे मोटे कोई तोहफे भी लाए हैं, बच्चे बड़े हैं लेकिन ये चाचा का प्यार है, ले आए भाई छोटी छोटी चीज़ें, और हाँ कुछ मिठाई वगैरह भी है। ये परिवार मिठाई देखकर ऐसे खुश होता है क्योंकि इन्हें याद नहीं होता कि आखिरी बार हमने कब खाई थी, और हम लोग कभी कभी बाज़ार से जो ख़रीदते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आया। खाने की वैल्यू तो है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, पैसे की वैल्यू बहुत है। पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, नहीं पसंद आया सब छोड़ दिया। और ये लोग, खैर इनके चाचा कहते हैं कि देखिए मैं आया तो किसी काम से था लेकिन एक ज़रूरी काम है आपसे, अगर आप राज़ी हो तो मैं संदीप की नौकरी के लिए आया था। संदीप की नौकरी या बड़े वाले की?
उसने कहा नहीं नहीं संदीप की देखो, अगर बड़ा वाला चाहे तो वो भी चल सकता है। अनुज बेटा अगर तुझे चलना है मेरे साथ तो एक अकाउंट्स की जॉब है, अगर तू चलना चाहे। उसने कहा चाचा जी इसे ले जाओ, ये हमारे घर का वही अकाउंटेंट है, अपने से नहीं आता और आप भी जानते हो कि गणित में मेरा हाथ कितना तंग है। अरे नहीं तो तू जानता है ना, इतना नहीं जानता, ये आप यकीन मानोगे 2 महीने लगातार इसने वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से बड़ी क्लास की होती है, वो सारी इसने पूरी सॉल्व कर दी थी। ये वास्तव में होशियार है लड़का जिसके बारे में बता रहा हूँ। संदीप ने कहा चाचा जी मैं नौकरी कर लूँगा लेकिन मैं तो कॉलेज गया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मेरी जान पहचान में ही हैं और वो कह रहे थे कि अगर कोई अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रखता है, रही बात तेरी पढ़ाई की डिग्री की वो सब बात की बात है, तू बस उनके कुछ सवालों के जवाब दे दियो, हो सकता है तेरे को नौकरी मिल जाए। तनख्वाह कितनी होगी? अब जो तनख्वाह बताई वो पूरे घर की तनख्वाह मिलाकर नहीं है। पिता ने एकदम हाँ कर दिया। पिता ने कहा कि ये बिल्कुल जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है, और अगर इतनी तनख्वाह हुई तो भाई पहले महीने की सारी तू रख ले, लेकिन हमारा जीवन बदल जाएगा। उसने कहा नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी पता है कि आपकी हालत कैसी है और मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये वहाँ रहेगा मेरा भी थोड़ा हाथ बटा देगा, आप जानते हो कि मेरे संतान तो है ही नहीं, तो मेरे लिए भी बाजार का कुछ काम करना होगा तो मैं इससे करा लूँगा, तो आप वो निश्चिंत रहो। ठीक है, ये अभी तक बहुत भला लग रहा है ना आदमी, ऐसा नहीं है कि इसके अब सींग निकलने शुरू हो जाएंगे, ये भला ही है, अच्छा ही है, कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, सब ऐसे नहीं होते जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप किसके बारे में सोच रहे थे? खैर, ये अपने चाचा के साथ मुंबई आता है और यहाँ आकर उन सेठ जी से, उन भाई साहब से मिलते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब होते हैं संदीप जी से और वो जवाब देते हैं। एक बैलेंस शीट उनको निकालनी थी, लेजर देते हैं और कैलकुलेटर रखते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इसमें ना कुछ समस्या है, अगर आप इसे पकड़ पाओ कि क्या समस्या है तो हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए। जितनी देर में उन्होंने ये सारी बातें समझाई थी उतनी देर में उसने 3-4 जगह गोले बना दिए, ये ठीक नहीं है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। उन्होंने कहा एक मिनट सुन तो लो बात इसके अंदर जो, उसने फिर रजिस्टर घुमा कर रख दिया लड़के ने। संदीप कहता है कि इन 3 जगह करेक्शन की ज़रूरत है, मतलब इन्हें 3 जगह को ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये ठीक आ जाएगा। अब वो करके देखा और वो हुआ। इसकी जितनी तनख्वाह तय हो रही थी उसमें और 500 रुपये बढ़ गए कि बेटा आज के बाद कम से कम 10 साल तक तू कहीं नौकरी नहीं करेगा, तू हमारे पास ही रहेगा और तू हमें लिख कर दे। उसने कहा मैं तो बिल्कुल ही करूँगा, मैं नौकरी के लिए आया था और मेरी नौकरी लग गई। उनने कहा लग गई, पहले महीने की तनख्वाह एडवांस पकड़। अब चाचा जी ने कहा इससे, जब ये दोनों उस ऑफिस से बाहर आए, कि अपने पिता को ये खबर दे और देख वो कितना खुश होते हैं। इनके पास फ़ोन नहीं है और 3 घर छोड़कर इनका ही कोई बहुत करीबी मित्र है, ठीक है, चाचा जी का, उसके घर फ़ोन करा गया और उसने जाकर ये समाचार दिया। चाचा जी ने इससे कहा कि अपने लिए कुछ पैसे रोक ले, कुछ कमीज़ कुछ पैंट अच्छी ऑफिस में पहनने के लिए खरीद लियो, बाकी सभी पैसे घर भेज दे। चाचा जी आपने कहा था कि कुछ यहाँ रखने? नहीं बेटा मैं कमा रहा हूँ, मैं कर लूँगा, तेरी चाची हैं वो भी मेहनत करती हैं भाई, वो घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, परिवार सभी सादा है। ये इनके घर में बहुत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, ठीक है, पूरे दिन ये मानिए कि अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं ही रहता है घर में, हर ईश्वर को समझाने मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। हम मिडिल क्लास फैमिली बस रिक्वेस्ट करते रहते हैं ना कि काश कोई से ईश्वर हमारी वो पुकार सुन लें जो कि बहुत समय से दबी हुई है। संदीप जब इनके साथ चाचा जी के साथ दफ्तर जाता है तो वहाँ से आता वापस अकेले है, क्योंकि जो चाचा जी है ये तकरीबन 8:30-9 बजे तक रुकते हैं और संदीप का काम 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और जब आता है तो हर बार इसे एक अंडे की ठेली दिखती है, ऑमलेट की ठेली दिखती है, वहाँ इसे अपने पिता दिखते हैं और बस जितनी बार उन्हें देखता है अपने आंसू पहुँचता है और आगे चल देता है कि हमारे लिए हमारे पिता क्या क्या कर जाते हैं और हम उनकी लाई हुई चीज़ों को कभी कभी धिक्कार देते हैं, कभी हम उनके लिए चीज़ जो लानी चाहिए नहीं ला पाते, हम बहुत पीछे रह गए इनसे और ये वास्तव में बहुत आगे हैं। तकरीबन 3 महीने इसने यहाँ नौकरी करी है। 3 महीने बाद चाचा से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा बिल्कुल जा बेटा, अभी वैसे भी ऑफिस की करीब 4 दिन की छुट्टी यहाँ है, तू घर जा। ये घर पर सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर गया था। घर में सब ने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया, मतलब माता पिता के पास शब्द कम आंसू ज़्यादा थे। 3 दिन ये अपने घर पर रुका। वहाँ से वापस जब बॉम्बे आ रहा था तो ट्रेन में एक ऐसे ही किसी भाई साहब से खाटू श्याम बाबा के बारे में इसे पता चला। कौन है ये? ये ईश्वर है और बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी माता जी हैं, मेरी चाची हैं, कितना पूजा पाठ करती हैं, कोई भगवान सुनते हैं नहीं। आपको पता है मेरे पापा ने बहुत सारे मंदिर के भी चक्कर काटे थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ तो बहुत बुरे से बुरा हुआ था। आज मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। हाँ ऐसा भी नहीं कि होते नहीं है, मेरे सामने कोई भी आता है मंदिर मैं हाथ जोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा मत कहो कि ये भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो इन भाई साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, एक मैं तेरे को छोटी सी तस्वीर देता हूँ, इसे अपने पास रख ले और इसके पीछे मेरा फ़ोन नंबर भी रखता हूँ। अगर तेरी ज़िंदगी में तुझे चमत्कार दिखने लग जाए, अगर तेरे साथ वो चमत्कार होने लग जाए और तेरे मन में जो पहली बात है कि बस बाबा ये पूरी करा दो, अगर वो हो जाए तो कभी वक्त लगे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करियो। लेकिन हाँ एक शर्त है, जब भी सुबह उठेगा अपना ऑफिस दफ्तर जब भी जाता है, वहाँ जाने से पहले एक बार पूरे दिन में इन्हें देख ले और फिर बोल दे जय श्री श्याम और अपनी बात जो तू कहना चाहता है। और हाँ मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जल्दी तेरा मेरे पास फ़ोन आएगा ज़रूर। अब इसने वो तस्वीर तो रख ली, लेकिन अपनी जो फरमाइश है वो कहनी भूल जाता था और ये जय श्री श्याम कहना भी भूल गया। मतलब इसे पता ही नहीं कि मुझे कहना क्या था, बस ये पता है कि ये खाटू श्याम बाबा है। तकरीबन 8-10 दिन हो गए इसे दफ्तर जाते हुए। ऐसे ही एक दिन जब पैसे निकाल रहा था वॉलेट में से, पर्स में से, तो इसने देखा अरे उनकी फ़ोटो है, देख कर बोलता है जय श्याम, जय जय श्याम, जय श्याम। तो ये जब बोल रहा था इस तरह से तो वहाँ पर एक महिला खड़ी थी, उन्होंने एकदम बोला कि बेटा जय श्याम नहीं जय श्री श्याम। अच्छा हाँ आंटी जय श्री श्याम, उन्होंने कहा जय श्री श्याम। इसने पर्स में रखा और अपने हाथ पर पेन से लिख लिया कि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे बोलना क्या है, जय श्री श्याम, ठीक है। और लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में लिखा घर, और एकदम हंसा और अपने हाथ को देखा और चल दिया। अगले दिन ऑफिस आता है तो यहाँ कुछ डिस्कशन सा चल रहा है, इसके चाचा जी के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। चाचा जी से कहता है कि चाचा जी क्या हुआ? अरे तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे लिए क्या? तनख्वाह बढ़ गई क्या? अरे वो तो बहुत छोटी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है, अभी जब बॉस आएंगे वो बताएंगे। मुझे ऐसे डराओ मत, सच में अच्छी खबर है? अरे बिल्कुल अच्छी खबर है, और ये सब लोग मुझे बधाई दे क्यों रहे हैं? इसी वजह से बधाई दे रहे हैं। तो चाचा जी आपके लिए भी अच्छी खबर है? तेरे लिए अच्छी खबर है, तेरे पापा के लिए अच्छी खबर है, परिवार के लिए अच्छी खबर है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ मेरे भाई के लिए एक बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, अभी वो आने दे। अब बॉस आते हैं, वो सभी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ एक काम कर संदीप बेटा, तेरे लिए ठीक है, तू दिल्ली रहता है ना? हाँ। दिल्ली में कहाँ रहता है? इसने अपने घर का एड्रेस बताया। वहाँ तुम्हारा अपना मकान है? नहीं नहीं। अच्छा तो किराए पर है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास तकरीबन 9 मकान हैं, ठीक है, जो कि वो प्रॉपर्टी बहुत समय से ये कह सकता हूँ कि बंद ही है। मैंने 3-3 मकान के छोटे छोटे मकान, मतलब ऐसे 3 सेट बना रखे हैं। हाँ कमरे उनमें 2 ही हैं और साफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं पहले किराए पर उठाऊंगा सोच रहा था, लेकिन तकरीबन 3 साल से वो बंद ही पड़े हैं। और हाँ पैसों की ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो मैं सोच रहा था अपने ही दफ्तर में, अपने इस ऑफिस में और दिल्ली वाली ब्रांच जो है उसमें लोगों से पूछ लेता हूँ कि किस किस को लेने में इस मकान को दिलचस्पी है। तो मुझे सबसे पहले तेरा ख्याल आया, क्योंकि तेरे चाचा ने बता रखा था तू दिल्ली में रहता है। मैं मकान नहीं ले सकता, वो हमारी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा बेटा गुंजाइश तो हम बनाएंगे ना, तेरी गुंजाइश नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि तू इतना हुनरदार है कि तुझे तो कोई भी कंपनी वाला रख लेगा। तू मुझे छोड़ के ना भागे, इसलिए मैं 1 मकान तो तुझे दूंगा। इसके हाथ पैर ठंडे हो गए एकदम से। मैं पैसे नहीं दे सकता। अरे सुन तो ले बेटा, पहली बात तो मेरा कोई आलीशान बंगला नहीं कि जिसकी तुम कभी कीमत ही नहीं दे सकते। रही बात कि मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ चले जाएंगे, मैं आदमी को देखकर पहचान लेता हूँ।
कि उसकी फितरत कैसी है। ये जो मेरे बाल सफ़ेद देख रहा है, ये तजुर्बे के हैं बेटा, और मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो सुन और अपने पिता से बात कर, अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है तब आगे काम करेंगे। ये जो तेरे को हम तनख्वाह देते हैं उसमें से आधी तनख्वाह तेरे को मिलेगी और आधी मकान के पैसों में कटेगी, जिसकी वजह से तू हमें छोड़कर नहीं भागेगा। अब ये एकदम रोते रोते उनके पैरों में गिर गया और कहता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, मैं मेरे को यहाँ टाइम ही कितना हुआ है, 4-5 महीने हुए होंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो। बेटा भरोसा नहीं, ये मेरे फायदे की बात है। अरे तू जैसे अच्छे लोग वहाँ रहेंगे तो वो जो मैंने कुछ मकान बना रखे हैं वहाँ एक अच्छा सा माहौल रहेगा, ना जाने कौन आ जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ही कंपनी के वो लोग हों जो वहाँ रहें। कुछ समय लगा, करीब 12-15 दिन इस बात को हजम करने में कि हाँ हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है। माता पिता के आंसू तो ये मानिए कि ऐसे बह रहे थे जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक मोटर चला दी हो। ये सपने पूरे कर रहा था। सही वक्त आया, ये परिवार अपने मकान में आया, और तो और इस संदीप ने अपने मकान में आते के साथ ही सबसे पहले अपने उन मित्र को फोन मिलाया जिनको ये बिल्कुल भूल गया था। रोते रोते कहता है जय श्री श्याम। उसने कहा जय श्री श्याम बेटा, कुछ हुआ चमत्कार? अब ये रो रहा है, सिसक रहा है और बता नहीं पा रहा कि मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ। थोड़ी देर बाद जब संभला तब इसने बताई कि हाँ मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का सपना पूरा करा है इन्होंने, और हाँ ये जादूगर है, ये आज तक किसी भी मंदिर नहीं गया है लड़का, अभी भी बोल रहा हूँ किसी भी मंदिर नहीं गया है। बाबा श्याम की वो जो तस्वीर है उसके कुछ प्रिंटआउट निकाले हैं कुछ बड़े कर और घर में एक जगह मंदिर स्थापित किया है, और ये कहता है उसके बाद से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। इनके जो पिता है वापस से दिल्ली में एक जगह अपना उस तरह की जो इनकी रेडी थी ऑमलेट की उस तरह से लगा रहे हैं, और हाँ उस तरह की प्रजाति वो जो बुरे लोग हैं वो थोड़े इनसे अभी दूर ही हैं। और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि नितिन भाई दिसंबर की 17 तारीख की गुड़िया की शादी है, अगर कहानी उसके बाद पढ़ती है तो अभी बताइएगा ज़रूर, और उससे पहले पढ़ती है तो अभी बताइएगा ज़रूर। मेरे भाई आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मेरी छोटी बहना आपको बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मेरे से तो आप छोटी ही होगे, और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ सभी के साथ चमत्कार हुआ, बड़े भाई के साथ क्यों नहीं हुआ, कौन कहता है नहीं हुआ। आज उस बड़े भाई के पास अपनी एक ऑटो है जो कि दिल्ली में चलाता है, और वो खुश है, सक्षम है, उसे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं कि मेरा छोटा भाई मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है, वो एक तरह की अफसर वाली ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी दोनों भाइयों में तकरार नहीं, बहुत घनिष्ठ प्यार है। पूरे परिवार को ये मानिए कि आज ज़मीन से आसमान, हाँ इनके लिए आसमान ही है, 2 कमरे का मकान और वो भी अपना, वो आसमान ही है। और इतनी सी उम्र में इसने अपना मकान खरीद लिया, छोटी बात थोड़ी ना है। और ये उस परिवार ने लिया है जो कि सपने में भी अपने मकान के बारे में सोच नहीं सकते। बोलो जय श्री श्याम। एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको कि ये आज तक किसी भी मंदिर नहीं गया है बाबा श्याम के, ठीक है आज तक, लेकिन कहा है कि जब भी ईश्वर मुझे अनुमति देंगे मैं राजस्थान ज़रूर जाऊँगा। बस आप मन में ना आस्था रखो, आपको किसी भी धाम किसी भी जगह तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं, आप घर से भी पूजा करोगे वो संपन्न होगा काम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम आपका नाम आपकी जगह। मेरे भाई चमत्कार होते हैं, आप बाबा की डोर मत छोड़ो, कितनी भी समस्याएं आए बस दोनों हाथ से एकदम कस के पकड़े रहो, फिर देखो चमत्कार ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।